जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? साजिदा, आपको मेरी वॉइस आ रही है बेटे? जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वॉइस आ रही है? इमन एंड साइसा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, आ रही है आ रही है। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। नेक्स्ट वीक असेसमेंट है पता ना? यस मैम। चले मिड टर्म है, आपके पास 8 का लेक्चर आ गए हैं, 7 लेक्चर आ जाएंगे। अब आप लोगों ने उसको उसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर दिया, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ इंशाल्लाह ताला सैटरडे को आपका टेस्ट होगा और संडे को दूसरे बच्चों का होगा। चलिए लेट्स सी, आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल क्या है और इंस्पेक्शन क्या है? क्वालिटी इज नॉट एन एक्सीडेंट बट इट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेलिजेंट एफर्ट्स। देखिए क्वालिटी जो है ना, कहीं कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी कंडीशन में है, घर का कोई काम है, अपनी जात से रिलेटेड काम है, कोई बिजनेस से रिलेटेड काम है, लेकिन जब तक कोई रिटर्न वर्क है और जब तक आप क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप कभी भी आपको मैक्सिमम उसकी आउटपुट नहीं मिल जाती। तो जब तक आपको जो क्वालिटी है, ये बेसिकली आपकी अपनी एफर्ट से होती है कि बेसिकली आप कितनी एफर्ट पुट करते हैं किसी चीज़ को उसकी अच्छा बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, कि आप जो है ना मुझे इसके जो बेटर रिजल्ट हैं वो मिलेंगे। सो व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी इज फिटनेस बाय यूज द टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर सर्विस दैट बियर्स ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई अ गिवन नीड। कहते कि किसी भी प्रोडक्ट्स की या जहां भी आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक आप वहां पे जो अपनी नीड से रिलेटेड सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप कहीं भी किसी भी जगह पे एज जो क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। देखिए आप क्वालिटी को इम्प्रूव बेसिकली करने के लिए जब आपके पास फीचर्स होते हैं, आप कहीं उसकी जो बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए
जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो उसको बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए, उनके प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो बेस्ट एफर्ट आप पुट करते हैं, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी इन्वॉल्व्स मीटिंग कस्टमर्स नीड प्रेफरेंस एंड एक्सीडिंग इट। कहते हैं क्वालिटी में जब भी आपके बिजनेस रिलेटेड काम करते हैं तो जब तक आप जो इम्प्रूव नहीं कर लेते जो भी कस्टमर्स की नीड है उन नीड्स के अकॉर्डिंगली जब तक आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर लेते, जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए कि आपने जो बेस्ट आउटपुट है वो क्या देनी है, तो तब तक आप कहीं भी उसकी जो कंडीशंस हैं जो मैक्सिमम आउटपुट है उसको अचीव नहीं करेंगे जब तक आप उसकी क्वालिटी और उसकी नीड्स और उसकी जो बेस्ट प्रोडक्ट्स की सर्विसेज है उसको उसकी नीड के रिलेटेड आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। सो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? सबसे पहले तो क्वालिटी क्या था ना, अब क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली क्या है? क्वालिटी दोज प्लान एंड सिस्टमेटिक एक्शंस विच प्रोवाइड अ मीन टू कंट्रोल एंड मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट्स। कहते दोज प्लान एंड सिस्टमेटिक एक्शंस, जो हम बहुत प्लान और जो इन सिस्टमेटिक कोई भी काम जब आप प्लानिंग के साथ या सिस्टमेटिक मैनर्स के साथ करते हैं तो डेफिनेटली जो आप उसकी जो वो काम भी आपका अच्छा होगा, आपके लिए इजी भी होगा, आपके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उसको भी अचीव कर लेंगे। तो बेसिकली कहते दोज प्लान एंड सिस्टमेटिक विच प्रोवाइड अ मीन टू कंट्रोल एंड मेजर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें बेसिकली जो किस जो प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रोसेस है एंड सर्विसेज टू एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उसकी सर्विसेज हैं जिनको आप एस्टेब्लिश करते हैं तो बेसिकली उसके जो बेस्ट प्रोवाइड जो कंट्रोल है, मेजर मींस टू कंट्रोल एंड मेजर, कि आपने उसको किस तरीके से मेजर करना है, किस तरीके से उनकी जो क्वालिटी को कंट्रोल करना है, जब तक आप सेटिस्फेक्शन नीड्स को जब तक आप नीड्स की कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई नहीं होंगे आप कभी भी जो बेस्ट आउटकम्स है उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो बेसिकली जब कोई भी काम करते हैं, जब आप प्लान करके किसी सिस्टमेटिक मैनर्स के साथ आप कोई भी काम करते हैं तो उससे जो एक बेस्ट अचीवमेंट है वो रिसीव होती है। क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन बेसिकली क्या है, क्वालिटी क्या है? इंस्पेक्शन लॉब क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, यानी कि अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई डेफिशिएंसीज आ रही हैं तो आपने उन डेफिशिएंसीज को कैसे रिमूव करना है, किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल कैसे करना है, उसके बाद फीडबैक ऑफ दिस दिस डिफेक्ट टू अप्रोप्रिएट, यानी कि जो आपने डेफिशिएंसीज फाइंड आउट की हैं अब उस उनके बारे में उसका फीडबैक देखना और उसको अप्रोप्रिएट मैनर्स में बिल्कुल मतलब कि रीजनेबल अप्रोप्रिएट यानी पर्सन के पास उसको उसका फीडबैक देना कि ये बेसिकली डेफिशिएंसीज हैं, इस डेफिशिएंसीज के बाद ये बेसिकली इसका ये फीडबैक आ रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट, जहाँ भी किसी किस्म की कोई कॉज होती है, देखें आपने पहले भी पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें बेसिकली जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है कि किस तरीके से अगर कोई कॉज है तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको किस तरीके से आप इम्प्रूव करेंगे, कैसे इम्प्रूव करेंगे। कॉज के भी जो कॉज की रीजन बन रही है वो क्यों रीजन बन रही है, उस रीजन को आप आइडेंटिफाई करेंगे।
उसके बाद है करेक्शंस ऑफ डिफेक्ट, यानी कि जो आपके पास डेफिशिएंसीज आई हैं उसका फीडबैक लेने के बाद, आप उस कॉज एंड इफेक्ट की डिटरमिनेशन को चेक करने के बाद अब आप उसकी करेक्शंस करते हैं। करेक्शन करते हैं मींस कि अब आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपने जो बेसिकली चीजें इन्वॉल्व की हैं वो किस तरीके से अब आपने उनको इम्प्रूव करना है। तो इंस्पेक्शन लॉग ये मीन्स कि देखिए ये एक सर्फेस की तरह है कि ये कहीं पे भी जब आप कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे अगर कोई डेफिशिएंसीज आ रही हैं तो आपने उनको कैसे इम्प्रूव करना है, किस तरीके से आपने उनको उन डेफिशिएंसीज को मीट करने के बाद उनको ओवरकम करना है और उनकी करेक्शन कैसे करनी है और उसके बाद आपने किस तरीके से उनको जो इन्वॉल्व कैसे करना है। क्वालिटी कंट्रोल थ्रू आउट प्रोडक्शन सिस्टम, कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल को किस तरीके से उनकी प्रोडक्शन सिस्टम को थ्रू आउट कैसे करना है। सबसे पहले क्या आया, इनपुट है, इनपुट्स क्या आया, कन्वर्सेशन है, आउटपुट है। जैसे आपने देखा है जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है कि इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, तो ऐसे ही है कि कैसे रॉ मटीरियल पार्ट्स एंड सप्लाईज के बेसिकली जो इनपुट है आपके पास, जो रॉ मटेरियल है वो क्या आ रहा है, उसको किस तरीके से आपने एनहांस करना है और उनको कैसे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनको सप्लाई कैसे करना है। उसके बाद है प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके बाद है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब आपके पास रॉ मटेरियल आता है तो आपने उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, उसको किस तरीके से आपने मैनेज कैसे करना है, किस तरीके से मैनेजेबल होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो आपके पास आउटपुट आती हैं। पहले तो आपके पास एक जस्ट रॉ मटेरियल की फॉर्म में एक चीज होती है, उसके बाद आप उसको मैनेज करते हैं किसी तरीके से, किस तरीके से आपने चीजों को इफेक्टिवली चेक करना है, कैसे आपने चीजों को मैनेज करना है। कंट्रोल चार्ट जो इनपुट है बेसिकली जिसमें रॉ मटेरियल और पार्ट्स एंड सप्लाईज होते हैं, उसमें क्या आया कंट्रोल चार्ट्स एंड एक्सेप्टेंस प्लान्स, मींस के जो कंट्रोल चार्ट है वो क्या आया, किस तरीके से आपने जो उनकी एक्सेप्टेंस प्लान्स कैसे बनाने हैं, कन्वर्सेशंस, प्रोटेक्शंस, प्रोसेस, कंट्रोल चार्ट, आउटपुट्स और रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स एंड सप्लाईज क्या है बेसिकली, कंट्रोल चार्ट एंड एक्सेप्टेंस प्लान्स क्या है, कंट्रोल चार्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है, कंट्रोल चार्ट्स एंड एक्सेप्टेंस जो आपने ली है बेसिकली उसके। देखे जब भी आप कोई काम करते हैं उसके अल्टरनेटिव, उसके जो प्लान्स होते हैं आपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स कि जब तक आप किसी चीज को उसके अकॉर्डिंगली सेट आउट नहीं कर लेंगे, उसको इन्वॉल्व नहीं कर लेंगे, आप कभी भी उसकी जो बेस्ट आउटपुट है उसको अचीव नहीं कर सकते। प्री प्रोडक्शंस क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शंस, सबसे पहले कहते हैं कि प्री प्रोडक्शंस क्या है, द सेफ्टी एंड efficacy of the finished dosage from the is largely dependent on the purity and quality of the active drug substance. Physical tests such as a practical size for raw material, follow properties, etc. are essential tests to ensure the consistent operations of the productions and control system to ensure quality and efficiency. देखिए कहते हैं कि जब वो basically quality का system है वो सबसे ज्यादा उसकी quality और उसकी purity के ऊपर depend करता है कि जो basically कि जो उसकी production materials है वो क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, आप जो उसकी मतलब कि उसकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर लार्जली डिपेंड करते हैं कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन मटेरियल्स है वो क्या है।
तो बेसिकली जो उसमें फिजिकल टेस्ट है, जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल साइज फॉर रॉ मटेरियल्स, फॉलो प्रॉपर्टीज, असेंशियल टेस्ट, किस तरीके से वो कंसिस्टेंट ऑपरेशन, प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम, आप तमाम जो बेसिकली चीजें उसमें किसी भी क्वालिटी को मीट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, उसकी प्रोडक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, इंश्योर करने के लिए और उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, ये तमाम चीजें जो बेसिकली इंप्रूव की जाती है। प्री प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन क्या है? टू डिक्रीज क्वालिटी रिस्क, टू जो क्वालिटी रिस्क है उनको मिनिमाइज किया जाए, कम से कम कोशिश की जाए। द इनपुट कैन बी इंस्पेक्टेड प्रायर टू प्रोडक्शन, जो इनपुट है जिसको इनपुट कैन बी इंस्पेक्टेड प्रायर टू प्रोडक्शन, सैंपल्स आर रैंडमली टेकन एंड चेक्ड, जो सैंपल है उसको रैंडमली लिया जाए और देन उसको चेकआउट किया जाए। एन एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर एग्जामिन द सैंपल प्रोटोटाइप्स टू मेक श्योर द, देखिए कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, वो सैंपल लें, फिर उसके बाद उसके एनालिसिस करें कि जो वो लोग हैं जो क्वालिटी को किस तरीके से कंट्रोल कैसे कर रहे हैं और उसको मीट कैसे कर रहे हैं। द रॉ मटीरियल मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, कहता है जो रॉ मटीरियल होता है वो जस्ट स्पेसिफाइड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ही मीट करता है। वेदर डेवलपमेंट टीम हैज क्लियरली कम्युनिकेटेड जो डेवलपमेंट टीम था वो क्लियरली कम्युनिकेट करे कि एक्चुअली व्हाट दे वांट टू अचीव, द रिक्वायरमेंट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग टीम की जो रिक्वायरमेंट्स और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करें। वेदर इक्विपमेंट फॉर मैस प्रोडक्शन इज सिमिलर टू दैट फॉर मेकिंग प्रोटोटाइप्स, यानी कि जो बेसिकली कहते हैं जो उसकी प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए ताकि उसकी जो नीड्स हैं, जो इंस्पेक्शन हैं उसको ऊपर फुली कंट्रोल किया जाए। इंस्पेक्शन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, कहते हैं कि जो प्रोसेस में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है बेसिकली वो क्या है, इंस्पेक्ट द टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम इन प्रोसेस टेस्ट परफॉर्म्ड फॉर कंफर्मेंस विद एस्टैब्लिश्ड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, एनालिटिकल मेथड एंड स्पेसिफिकेशंस। बेसिकली कहता है कि हम जो लोगों से टेस्ट करने के बाद उसके रिजल्ट्स के सैंपल के ऊपर बेस करता है कि वो किस तरीके से जो उनकी जो किस तरीके से उनको प्रोटोकॉल, उसका एनालिटिकल मेथड और स्पेसिफिकेशन को कैसे यूज करना है, किस तरीके से सैंपलिंग और टेस्टिंग होनी चाहिए, तो फिर उस बेस पे हम लोगों के रिजल्ट के ऊपर फेस करते हैं कि किस तरीके से जो फॉर एग्जाम्पल एवेल्युएट द टेस्ट फॉर वेट वेरिएशन, कहते हैं सबसे फॉर एग्जाम्पल जो अवेल्युएट द टेस्ट फॉर वेट वेरिएशन के मुताबिक हार्डनेस एंड फेरिबिलिटी आर टेस्टिंग मोस्ट कॉमनली विद सी जी एम पी, क्योंकि जो बेसिकली टेस्ट आप जो भी कोई भी लोगों से अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो उसमें जो हार्डनेस एंड फेरिबिलिटी उनके टेस्ट मोस्ट जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होना चाहिए। The inspection must confirm that in-process tests were done inspection must confirm that in-process tests were done as described in the plan and
assertions that results were within the specifications. Quality control inspection in analytical, in general, these inspection includes basically कहते हैं कि इसके ऊपर क्या जो क्या inspections हैं जिनको include करना चाहिए. The specific methodology which will be used to test a new drug products. कहते हैं जो specific methodology है जिसके ऊपर हम जो कुछ products हैं उनको basically देखते हैं कि वो products किस तरीके से यूज हो रही है, उनका यूजेज क्या है, किस तरीके से होनी चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए. अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ लेबोरेटरीज कंफर्मेंस विद जीएमपीज. कहते हैं कि जो कंप्लीट असेसमेंट लेबोरेटरीज है वो भी होनी चाहिए. उसके बाद है अ स्पेसिफिक इंस्पेक्ट ऑफ लेबोरेटरी ऑपरेशंस. जो एक लेबोरेटरी ऑपरेशंस के लिए एक स्पेसिफिक किस्म का जो ऑपरेटर वो भी होना चाहिए. Laboratories record and logs represent a vital, basically क्या है, scores of information and that allows a complete overview of the technical ability of the stock and of overall quality control products. कहते हैं कि जब आप जो sources of information होती हैं, वो किसी एक किसी भी quality को improve करने के लिए जो एक technical ability होती है, तो उससे जो overall उसकी जो quality control जो procedure है उसको ऊपर फोकस किया जाता है और उसको कम आउट किया जाता है. स्पेसिफिकेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स शुड बी सूटेबल एंड एप्लीकेबल इन कंफर्मेंस विद एप्लीकेशंस कमिटमेंट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. इसमें बेसिकली जो स्पेसिफिकेशंस हैं और जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं वो कहता है कि सूटेबल होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, इन कंफर्मेंस होनी चाहिए विद एप्लीकेशन कमिटमेंट एंड कम पैडना रिक्वायरमेंट्स. जो उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए. Laboratories record and log represent a vital source of information. कहते हैं जो laboratories का record है और जो log है ये एक बहुत important sources of information होता है. Sorry, ये second है. जिसमें सबसे पहले क्या documents relating to the formula, formulation of the products, synthesis of the blood drug substance. Product specifications, analysis of the product, and other are examined during the review process in hand. Hand qualities. उसके बाद कहते हैं inspection. Inspections are designed to determine if the data subjected in a application are authentic and accurate and if procedure list in the application were actually used to produce the data contained in the application. Kehta hai jo basically jab bhi kabhi aap koi inspection karti hai in any situation in any organization in any place to sabse pehle jo aap data organize karti hai and design karti hai और जो आपके पास एक ऑथेंटिक एप्लीकेशन जो होती हैं जो सबमिटेड होती हैं वर एक्चुअली यूज्ड टू प्रोड्यूस द डाटा कंटेंड इन द एप्लीकेशन. उसके बाद क्या है बेसिकली एडिशनली दे आर डिजाइन टू कंफर्म द
Additionally, they are designed to confirm that planets accordingly quality control laboratories in the compliance with कहते के सबसे जब भी आपको डाटे को ऑर्गेनाइज करें उसको मैनेज करें कहीं पे भी इन एनी सिचुएशन इन एनी कंडीशन तो यू मस्ट जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके जो एस्पेक्ट है उसको सामने रख के फिर किसी चीज को इम्प्लीमेंट करें. जो इसका मेथड प्रोसेस क्या है बेसिकली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैलिडेशन ऑफ द मेथड शुड बी केयरफुली एवेल्युएटेड. कहते जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैलिडेशन मेथड है वो बिल्कुल जो केयरफुली उसको एवेल्युएट किया जाए ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी क्वालिटी का कंट्रोल है उसको अचीव किया जा सके. ऑल प्रोसेस डेट मे कॉज डेविएशन टू रिवाइज स्पेसिफिकेशन एंड ऑल वैलिडेटेड प्रोसेस मस्ट बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल. कहते हैं जितना भी प्रोसेस है जिसमें तमाम जो उसका वैलिडेटेड प्रोसेस है उसको मॉनिटर भी किया जाए और उसको कंट्रोल भी किया जाए. इफ द प्रोसेस इज सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड अगर कहते हैं जो प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल है कंफर्म द सॉफ्टवेयर वॉज वैलिडेटेड तो ये जरूर कंफर्म किया जाए कि जो जो सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन को सबसे पहले यकीनी बनाया जाए. रिव्यू द सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर चेंज कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर वैलिडेशन रिजल्ट्स टू कंफर्म दैट सॉफ्टवेयर विल मीट यूजर नीड्स. कहते जो बेसिकली रिव्यू द सॉफ्टवेयर है उसको इस तरीके से मीट किया जाए कि जो उसकी नीड्स हैं उनको उसके जो क्वालिटी कंट्रोल्स की जो बेसिकली नीड्स हैं उनको सामने रख के किसी चीज को उसके ऊपर फोकस किया जाए उसका रिव्यू किया जाए कि कैसे वो सॉफ्टवेयर क्या है एक्टिविटीज क्या है चेंज कंट्रोल क्या है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या है रिजल्ट्स टू कंफर्म दैट सॉफ्टवेयर विल मीट यूजर नीड्स वो क्या है. मटेरियल्स क्या है बेसिकली बच्चों मेरी वॉइस आ रही है सादा मेरी वॉइस आ रही है इमन बेटे यस मैम आ रही है. ओके मटेरियल्स क्या है रॉ मटेरियल टेस्टिंग इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इट इज द डायरेक्टली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स. कहते हैं बेसिकली जो रॉ मटेरियल टेस्टिंग होती है कहीं पे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो उसकी फाइनल प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी में डायरेक्टली उसका इफेक्ट होता है कि आपने जो प्रोसेस के थ्रू उसको एक क्वालिटी की तरफ एक प्रोडक्ट जो एक रीजनल प्रोडक्ट है वो तैयार की है. Hence, inspection should examine the analysis of material, including purity test, quality charts. Inspect of all these methods for analysis, the purity were validated. कहते हैं सबसे पहले जो inspection method है उनको जो आपने test किया quality charts वगैरह को जो improve किया basically उनकी purity की जो validity method है उसको The manufacturers must have completed knowledge of manufacturing process and the potential
impurities that may appear in materials. These impurities cannot be evaluated by without a suitable method and one that has been validated. कहता है जो बेसिकली उन जो इम्प्योरिटीज हैं जो क्वालिटी को कंट्रोल करने में उनका कोई रोल नहीं है बेसिकली, तो उनके ऊपर जो उसका फोकस है उनके ऊपर उनका जस्ट बिल्कुल भी कोई फोकस नहीं होना चाहिए किस तरीके से. मैन क्या है बेसिकली वेरीफाई दैट पर्सनल्स हैव बीन क्वालिफाइड टू इंप्लीमेंट द वैलिडेटेड प्रोसेस. वेरीफाई दैट पर्सनल्स हैव बीन क्वालिफाइड टू इंप्लीमेंट वैलिडेटेड प्रोसेस. और कहता है कि जो पर्सनल्स क्वालिफाइड हैं उनकी वैलिडेटेड जो प्रोसेस उसको मीट किया जाए वो बिल्कुल उन स्टैंडर्ड्स को बेसिकली मीट करती हो कि आपने जो क्वालिटी कंट्रोल्स के जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करती हो. अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड टू इंप्लीमेंट प्रोसेस विच यील्ड रिजल्ट्स दैट कैन बी फुली वेरीफाइड. तो बेसिकली उन confirm that employees have complete knowledge. कहते कि वो जो confirm किया जाए कि उनके जो basically जो knowledge yield है उसके ऊपर उनको confirm उसके ऊपर पूरी एक information होनी चाहिए. Confirm that employees are aware of the device facts that may occur as a result of inferior in performance. कहता कंफर्म दैट इंप्लॉयज कोऑर्डिनेटिंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आर अवेयर ऑफ जिन लोगों को आप बेसिकली उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं क्वालिटी उनको उसके बारे में कंप्लीट एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने बेसिकली जो उनके क्वालिटी कंट्रोल करने हैं वो किस तरीके से उनकी जो नीड्स हैं उनको आपने किस तरह बेसिकली जो है ना वेरीफाई कैसे करना है. लेकिन जब तक आप उससे रिलेटेड और जो रेलिवेंट पर्सन हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी भी प्रोडक्ट्स में किसी भी इंफॉर्मेशन में किसी भी प्रोसेस में तो वो कभी भी उस तरीके से उनमें जो उसकी इंफॉर्मेशन हैं आप उसको कभी भी एज इट इज उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप उसकी क्वालिटी देखिए क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन क्या किसी चीज़ को आपको देख रहे हैं कि उसकी जो क्वालिटी को वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है. और जिन लोगों को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स यूज होती हैं बेसिकली आपने उसको देखना है कि ये वो क्या उनका रिस्पॉन्ड क्या आया. तो यानी कि जो डेटा आपके पास है जो टेस्ट आप ट्राई कर रहे हैं बेसिकली वो उस डेटे के ऊपर कन्फर्म होना चाहिए कि जो लोग हैं वो किस तरीके से बेसिकली इसका अब कंक्लूजन क्या है. क्वालिटी कंट्रोल का क्वालिटी कंट्रोल इज नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्ट. कहते कि ये एक कभी भी ना खत्म होने वाला बेसिकली प्रोस्पेक्ट है. उसके बाद इंक्रीज इन क्वालिटी इंक्रीज प्रोडक्शन डिक्रीज कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट. देखिए कितने जबरदस्त क्वालिटी की बात की है मैंने कि किस तरीके से इंक्रीज क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए
जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज किया जाए और प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए। कितने जबरदस्त उन्होंने जो उसकी एक तमाम क्वालिटी कंट्रोल और इंश्योरेंस की जो बात है एक सेंटेंस में कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब तक आप क्वालिटी को इंक्रीज नहीं करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करेंगे, कॉस्ट को डिक्रीज नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं कर सकते। जब आप जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करेंगे। दस क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंपनी मैनेजमेंट। कहते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन है ये बेसिकली एक जो कंपनी मैनेजमेंट है उसके इंटीग्रल पार्ट है कि वो अपनी क्वालिटी को मीट करने के लिए उसको करने के लिए कि किस तरीके से अपनी जो क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कैसे इन्वॉल्व रखना है, ये बेसिकली उनकी मैनेजमेंट का काम है। ये बेसिकली कुछ रेफरेंसेस हैं। अगर आप जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तो बुक्स पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी देखना चाहते हैं। ये भी उससे रिलेटेड कुछ बुक्स हैं आप यूज करना चाहें, ये कुछ वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्वालिटी से रिलेटेड कोई मटेरियल इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि जो आज का लेक्चर है आप लोगों को इसकी समझ आई है क्या आई है? जी मैम आई है। हेलो, जी क्या समझ आया क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? मतलब यार कोई फर्म या ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो सर्विसेज पुट करती है उसको क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन कहते। हाँ शाबाश। अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जो लेक्चर ना उसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं। नहीं मैम ठीक है। और मैडम फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर जो है ना वो प्लीज शेयर कर देंगे आप। कौन सा फोर्थ और फिफ्थ फोर्थ वाला? नहीं मेरे वो ख्याल वो पता नहीं किसी छुट्टी की वजह से ना हम मिस हो गया, वो नहीं हुआ वो मेरा हमारा क्या। मेरा ख्याल है कि सिक्स लेक्चर से बच गया, जी जो मैम फोर्थ वाला फोर्थ लेक्चर है वो नहीं है। नहीं पर मैम जी जो आपने वो सारे से सारे सेंड कर दें जो हम लोग पढ़ चुके हैं सारे सेंड कर दूं दोबारा तीनों जी मैम अगेन सेंड नोट। कर। अच्छा पोर्टल पे भी सारे मौजूद हैं तो अभी मैं व्हाट्सएप में भी आप सबको वो सारे लेक्चर्स जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। ठीक है ठीक है ये सिक्स लेक्चर जो है इनको जरा केयरफुली देखने सुनने पढ़ने गौर से। इंशाल्लाह होपफुली अभी डेट शीट आई तो नहीं है, आने वाली है बस कमिंग वीक में किसी भी टाइम आ जाएगी। तो अल्लाह खैर करे फिर आप लोग अपनी असेसमेंट की तैयारी पूरी करें। जी मैम जी। और कुछ पूछ रहे बच्चों? नहीं मैम ठीक ईद कैसे गुजरी आप लोगों की? मैम बहुत अच्छी। आपकी माशाल्लाह कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बस। और घर ही है तो स्कूल तो ओपन हो गया आप लोगों के? यस मैम हमारे नहीं ननकाना ओपन हो गए हैं। हाँ ननकाना का तो वो नहीं है नोटिफिकेशन में भी नहीं आते। चले हो यहाँ तक तो यार 7 तक बंद है। मैम आपका ना आपका कहाँ पे है? मेरा ननकाना है और ये साजिदा का मियाँ वाली है। अच्छा साजिदा का मियाँ वाली है। साजिदा का साजिदा आपका मियाँ वाली मेरे ख्याल अभी नहीं ओपन हुआ। मैम अभी तक 7 तक बंद है आज बता रहे थे। सात को फाइनल खुले डिसीजन 7 को आएगा कि जो रह गए हैं डिस्ट्रिक्ट उनके क्या करना। जी। चलिए अल्लाह करे कहीं खुल जाए स्कूल। चलिए बच्चों फिर थैंक यू सो मच। अल्लाह से। ओके बच्चों की अमान। अल्लाह हाफिज।